लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा सीटें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की चुनिंदा सीटों के साथ उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर पहले ही फेज में चुनाव पूरी तरह से निपट जाएंगे और इस चरण के मतदान से ही काफ़ी हद तक 2024 की तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले फेज में बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ाने के साथ साथ सहयोगी दल डीएमके के प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा। पहले फेज में ही बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की परीक्षा होनी है। पहले फेज की 40% सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 15% सीटें ही जीत सकी। हालांकि गठबंधन के नज़रिए से देखें तो इंडिया और एनडीए दोनों कमोबेश बराबर नज़र आ रहे हैं, इसलिए इस बार दोनों के सामने बेहतर प्रदर्शन दोहराने का चैलेंज है और उन्हें न सिर्फ अपनी पिछली सीटों को बचाना बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाने की भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जिन 102 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें ज़्यादा बसपा 86 सीट पर मैदान में है, बीजेपी 77, कांग्रेस 56, AIADMK 36, DMK 22, TMC 5, RJD 4, सपा 7, RLD 1, LJP RK 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी HAM से एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में इन 102 सीटों में बीजेपी 60 और कांग्रेस 65 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार बदले हुए समीकरण में बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस कम सीटों पर उतरी है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों में से 53 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत हार का अंतर 20% वोट से कम रहता है। इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का अंतर 2% से भी कम होता है। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, नागालैंड और तमिलनाडु की 2 सीट, उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर व सहारनपुर सीट थी। वहीं पहले चरण की 102 सीटों में से किसी भी सीट पर लगातार 3 चुनाव से जीतने वाली सीटों को मजबूत माना जाता है और सिर्फ एक बार जीती सीट को अपेक्षाकृत कमजोर। इस लिहाज से देखें तो पहले चरण की 6 सीटों पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस मजबूत है। वहीं बीजेपी 32 सीटों पर, डीएमके 12 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर अपेक्षाकृत मजबूत है क्योंकि एक ही सीट पर 2 चुनावों में जीत दर्ज है। फिलहाल पश्चिमी यूपी में इस बार समीकरण बदल चुके हैं। पिछली बार सपा के साथ रहने वाला आरएलडी एक बार बीजेपी के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण 2019 से अलग, लेकिन सपा और बसपा ने जिस तरह का ताना बाना बुना है उससे बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। बीजेपी की यूपी की 8 में से कम 5 से 6 सीटें जीतने की कोशिश में है, तो विपक्ष भी अपने पिछले चुनाव नतीजे को दोहराना चाहती है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट एक साथ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आर और आरएलएम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।